हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो बच्चों, हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में फिर से आ गए एक नया और बेहतरीन करंट अफेयर का वीडियो लेकर के। हमने प्रीवियसली जितने भी अभी वीडियोस कवर किए हैं अपने करंट अफेयर सीरीज़ में, उसमें हमने डिस्कस कर लिया है दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और फेबररी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब हम डिस्कस कर रहे थे हमारा मंथ ऑफ मार्च का 2023 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, सो बच्चों, हम लोग मार्च के इस मंथ को कवर करते हुए काफ़ी टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके थे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स, डिसीजन, डिफेंस, और अब हम इसी में आगे बढ़ रहे थे और डिस्कस कर रहे थे बजट, राज्यों के बजट यानी स्टेट्स के जो बजट आए थे 2022-23-24 से रिगार्डिंग उसको, जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश और क्या नाम है बिहार स्टेट का हमने बजट डिस्कस कर लिया था। इसी वीडियो में आगे अब हम और राज्यों के बजट डिस्कस करेंगे। सो बिफोर हम आगे बढ़ें, हम बताना चाहेंगे कि जितने भी हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियोज़ में, वो सभी BA, BBA, BCA और LLB के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी इन सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम से, इनके पैटर्न से अप्रूव, लाइक इन्हीं पैटर्न से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन इनके पैटर्न से। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इन एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं, आगे परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल्ड एंड डेप्थ नॉलेज चाहिए, गेन करनी है, तो आप हमारे LU अपडेट ऐप पे जा सकते हैं। हमने वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने से रिलेटेड पर्टिकुलर कोर्सेज डिज़ाइन कर रखे हैं जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं। ठीक है, आप वहाँ जा सकते हैं, उसको परचेज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं उसमें क्या है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पर मिल रहा होगा, आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वही है ना, आप स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के और वीडियोस देखने हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में और नॉलेज गेन करनी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट जानना है, तो आप हमारे LU अपडेट के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। हम हमारे यूट्यूब चैनल पर कोशिश करते हैं कि हर इवेंट को बहुत ही जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दें, हर न्यूज़ को आप तक बता दें। ठीक है, सो बच्चों अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी आपको थोड़ी लाइक जनरल नॉलेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस से फील्ड के हो गया, या जैसे कि अभी करंट अफेयर्स के वीडियोज़ देख रहे हैं, ये सब भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में आगे अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक पे, जो कि था राज्यों का बजट 2023-24। ठीक है, इसमें हमने मध्य प्रदेश बिहार डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का बजट। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बजट। ठीक है, सो इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है। इन द बजट 2023-24 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ स्पेंडिंग हाउ मेनी रुपीज़। सो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितना भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बजट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको मैं आराम से पढ़ाऊँगी भी। ठीक है, सो बच्चों टारगेट कितना रखा है स्पेंड करने का बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है 6.90 लाख करोड़ रुपये, 6,90,244 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 6.90 करोड़ रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश बजट से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है। इन द बजट 2023-24 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट द टारगेट ऑफ द स्टेट्स फिस्कल डेफिसिट एज व्हाट परसेंटेज ऑफ GSDP। तो पहली बात फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश ने टारगेट ऑफ द स्टेट्स फिस्कल डेफिसिट एज व्हाट परसेंट ऑफ GSDP, जो उत्तर प्रदेश का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका टारगेट ऑफ स्टेट फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंट है। ठीक है, सो आंसर है इसका
4%, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय घोष घाटे का लक्ष्य 4% निर्धारित किया है जीएसडीपी का, ठीक है, जीएसडीपी का 4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है। अभी हमने फिस्कल डेफिसिट देखा था, अब हम देखेंगे ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है जीएसडीपी के, ठीक है। इन द बजट 2023-24 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ द स्टेट्स ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट कितना रखा है ग्रोथ रेट का टारगेट 19%, जीएसडीपी का 19% है ग्रोथ रेट और फिस्कल डेफिसिट है 4%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रोथ रेट है 19% और फिस्कल डेफिसिट था कितना था 4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 के भाषण में वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी बताई। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 बाय द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ यूपी इन द स्पीच ऑफ बजट 2023-24। आंसर है 16.8%, बताइए कितनी बताई है ग्रोथ रेट 2021-22 का 16.8%, ठीक है। सो बच्चों हमने बजट डिस्कस कर लिया है, उत्तर प्रदेश का भी, मध्य प्रदेश का भी और बिहार का भी, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक आज कवर करेंगे जो कि है डिफेंस, ठीक है, डिफेंस कवर करेंगे, ठीक है। इससे हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के पहले सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। विद विच कंपनी डिड द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस साइन एन एग्रीमेंट टू डेवलप द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडियन आर्मी। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी का फर्स्ट सैटेलाइट डेवलप होगा, ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट इंडियन आर्मी का, ठीक है। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके यानी कोलैबोरेशन करके बनाया है, उस कंपनी का नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिल करके भारत की भारतीय जो सेना है हमारी, भारतीय इंडियन आर्मी है जो हमारी, उसकी फर्स्ट सैटेलाइट डेवलप करेंगे, ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट डेवलप करेंगे, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की किन बख्तरबंद रेजिमेंट को प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड से सम्मानित किया गया। विच आर्मर्ड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी वर अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड। सो किसको किया गया है, 49 आर्मर्ड रेजिमेंट को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रेजिमेंट को इंडियन आर्मी के प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड मिले हैं, ठीक है, किसको मिले हैं, 49 आर्म्ड रेजिमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवल एक्सरसाइज कोंकण 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित हुआ। नेवल एक्सरसाइज कोंकण 2023 वॉज कंडक्टेड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो किस किस नेवी के बीच में हुआ है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ये तीन टाइप से पूछा जा सकता है, पहली बात भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, लाइक इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के की ने कौन सी एक्सरसाइज की, पहली बात उन्होंने नेवल एक्सरसाइज की, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज हुई, ठीक है। ये नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या रखा गया, कोंकण 2023। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कोंकण 2023 नेवल एक्सरसाइज में कौन कौन से देश शामिल थे, आंसर भारत और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया। विच नेबरिंग कंट्री स्टार्टेड इट्स फर्स्ट सबमरीन बेस विद द हेल्प ऑफ चाइना। सो आंसर है, बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस जो है ना वो शुरू किया है चाइना की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने इंडियन नेवी के किस गनरी स्कूल को मार्च 2023 में प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। Which Gunnery School of the Indian Navy was awarded the President's Colour by the President in March 2023? ये भी important question है, ठीक है,
तो किसको मिला है? INS द्रोणाचार्य को मिला है. कौन सा अवार्ड? प्रेसिडेंट कलर मिला है. ठीक है, क्या मिला है? प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड. ठीक है, तो बच्चों डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं. अब हम डिस्कस करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज से. एक मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कोंकण 2023, जो कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है और ये एक नेवल एक्सरसाइज है. ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस डिस्कस करने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट होंगी. आप इनको भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये भी तरीकों से पूछी जा सकती हैं. नोट डाउन करती जाइएगा. ठीक है, ठीक है, चलिए. मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में भारत के किस फाइटर एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया? विच फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर. तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज एक हुई थी जिसका नाम था कोबरा वॉरियर, उसमें इंडिया के एक फाइटर जेट ने, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट ने, फाइटर एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था. कौन सा था? आंसर है मिराज 2000. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज थी? ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज थी जिसका नाम था कोबरा वॉरियर. इसमें भारत की तरफ से मिराज 2000 गया था, पार्टिसिपेट किया गया था. ठीक है, ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. किन सशस्त्र बलों के बीच वायु प्रहार अभ्यास मार्च 2023 में आयोजित हुआ? बिटवीन विच आर्म्ड फोर्सेस द वायु प्रहार एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन मार्च 2023. आंसर है एयरफोर्स और आर्मी. तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिल करके एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था वायु प्रहार. ठीक है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने, और ये कब हुई थी? मार्च में. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय एयरफोर्स और भारतीय आर्मी ने मिलकर कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म की थी, उसका नाम बताएं, और 21 महीने में हुई थी. सिंपल, उसका नाम था वायु प्रहार. ये मार्च 2023 में हुई थी, इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन आर्मी ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. प्रशिक्षण अभ्यास AF इंडेक्स 2023 भारत और किस महादेश के देशों की सेनाओं के बीच पुणे में आयोजित हुआ? द ट्रेनिंग एक्सरसाइज AF इंडेक्स 2023 वॉज हेल्ड इन पुणे बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड द कंट्रीज ऑफ विच कॉन्टिनेंट. सो सिंपल सी एक बात कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जो कि AF इंडेक्स नाम से था. ये इंडियन आर्मी और कौन से कंट्रीज के आर्मी से हुआ था? आंसर है अफ्रीका. सो ठीक है, AF इंडेक्स 2023 इंडिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज के, इंडिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज के बीच में हुआ था. कब हुआ था? मार्च 2023 में. कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था. कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था. ठीक है, ठीक है, ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास ला पेरोस 2023 भारत और किन देशों के बीच हुआ? द मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. सो पहली बात, एक मल्टी नेवल एक्सरसाइज थी जो कि ला पेरोस 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई थी. ठीक है, ये है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ठीक, तो पहली बात, एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुई थी मार्च में 2023 में, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने पार्टिसिपेट किया था. इंडिया के साथ में 5 कंट्री और थे. ठीक है, कौन कौन? जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, इन्होंने मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज की थी जिसका नाम रखा गया था ला पेरोस 2023. क्या रखा गया था नाम? ला पेरोस 2023. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. इंडियन नेवी ने एंटी सबमरीन वारफेयर शालो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के दूसरा जहाज एंड्रोथ किस नदी में लॉन्च किया? इंडियन नेवी लॉन्च्ड द सेकेंड शिप ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट एंड्रोथ इन विच रिवर. आंसर है हुगली नदी में. किस में? हुगली नदी में. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. अमेरिका में आयोजित युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 23 में किन देशों की फोर्स ने हिस्सा लिया? Which countries forces
पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 ऑर्गेनाइज्ड इन USA. सो आंसर है भारत, कनाडा, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने ला परोस 2023 डिस्कस किया था, सेम ऐसे सी ड्रैगन 2023 इंपॉर्टेंट है. ये एक एक्सरसाइज थी, मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जिस जो कहाँ हुई थी, USA में हुई थी, जिसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, कनाडा, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया. ठीक है, यानी कि USA और पांच और कंट्रीज थी, इंडिया के साथ में भी पांच और कंट्रीज थी, जो कि थी कनाडा, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और USA. ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था, USA में हुआ था. ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसका नाम था सी ड्रैगन. ठीक है, क्या नाम था, सी ड्रैगन. ठीक है, 23. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 आयोजित हुआ. जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. सो ये ऑर्गेनाइज हुआ है फ्रिंजेक्स 2023 इंडिया और फ्रांस के बीच में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम है इसका, फ्रिंजेक्स 23 फ्रांस के साथ में हुआ है, इंडिया. ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है. ठीक है, आई गेस नेवल एक्सरसाइज अभी हमने पढ़ा है, नहीं मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन मार्च 2023 में कहाँ हुआ. वेयर इज़ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23 ऑर्गेनाइज इन मार्च 23 बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच आर्मी. आंसर है ये तिरुवनंतपुरम में हुआ था. ठीक है, तिरुवनंतपुरम में हुआ था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 2023 मार्च 2023 में हुआ था इंडिया और फ्रेंच आर्मी के बीच में, और ये तिरुवनंतपुरम में हुआ था. ठीक है, सो बच्चों अभी हमने डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. अब हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है इवेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च 2023. ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा. सो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किस शहर में मार्च 2023 में आयोजित हुआ. ठीक है, इन विच सिटी द वन वर्ल्ड टीबी समिट वॉज ऑर्गेनाइज इन मार्च 2023. सो वन वर्ल्ड टीबी समिट ऑर्गेनाइज हुआ था मार्च 2023 में, ये किस शहर में हुआ था. आंसर है वाराणसी में हुआ था. कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये कि वन वर्ल्ड टीबी समिट ऑर्गेनाइज हुआ था मार्च 2023 में वाराणसी में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में हुई. ठीक है, इन विच सिटी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप वॉज हेल्ड. तो आंसर है मुंबई में. ठीक है, तो जितना भी G20 से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंडिया में ये सबमिट हुई थी और ये काफ़ी रेलिवेंट है हमारे करंट अफेयर्स को लेकर के. ठीक है, तो G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग हुई थी हमारी मुंबई में. ठीक है, मुंबई में हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र राउंड टेबल G20 CSAR की पहली बैठक किस शहर में हुई. इन विच सिटी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र्स राउंड टेबल G20 CSAR वॉज हेल्ड. आंसर है रामनगर, उत्तराखंड. तो रामनगर उत्तराखंड में पहले मीटिंग हुई थी G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र राउंड टेबल. G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र राउंड टेबल की पहली मीटिंग हुई थी रामनगर उत्तराखंड में. ठीक है, रामनगर उत्तराखंड में. ठीक, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप वे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ, जिसका शिलान्यास PM मोदी ने किया. इन विच सिटी डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप वे बिगन, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच वॉज लेड डाउन बाई PM मोदी. आंसर है वाराणसी में. जो वाराणसी में है वहाँ पे कंट्री का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप वे बिगन हुआ है. ठीक है, कंट्री का पहला है कहाँ पे, वाराणसी में. ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, NGT ने रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया.
NGT imposed a fine of rupees 10 crore on which state government for failing to protect the Ramsar site. आंसर है केरल में लगा है 10 करोड़ का जुर्माना उन्होंने राम साइट की प्रोटेक्शन नहीं की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NGT ने लगाया है शक्तिशाली भूकंप की वजह से उत्तर भारत में झटके महसूस किए, इसका केंद्र किस पड़ोसी देश में था. तो एक अर्थक्वेक आया था उसका केंद्र बताना है. ड्यू टू अ पावरफुल अर्थक्वेक ट्रेमर्स वर फेल्ट इन नॉर्दर्न इंडिया विच नेबरिंग कंट्री वॉज एट द सेंटर ऑफ इट. आंसर है अफगानिस्तान में आया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैश्विक बाजार सम्मेलन ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया. सो इन विच सिटी द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड विच वॉज इनॉग्रेटेड बाई पीएम मोदी. आंसर है दिल्ली. तो दिल्ली में हमारा ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस 2023 में जो 2023 हुआ था ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस. ठीक है, इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने किया था और ये हुआ था दिल्ली में हुआ था. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एशिया का सबसे बड़ा आहार 2023 मेला कहाँ आयोजित हुआ. वेयर वॉज द एशियाज लार्जेस्ट फूड फेयर 2023 ऑर्गेनाइज. आंसर है दिल्ली का प्रगति मैदान. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत ने 26 से अधिक देशों के खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों को कॉन्फ्रेंस मार्च की प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस मार्च 2023 में कहाँ आयोजित की. वेयर डिड द इंडिया ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स ऑफ ओवर 26 कंट्रीज इन मार्च 2023. सिंपल आंसर इज दिल्ली. G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के बीच और रायसीना डायलॉग के पहले आयोजन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा. 26 से अधिक देशों की खुफिया सुरक्षा प्रमुखों इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स ऑफ ओवर 26 कंट्रीज का एक इंडिया ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी मार्च 2023 में कहाँ पे, दिल्ली में. इस G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक के बीच हुई थी और रायसीना डायलॉग के पहले आयोजन हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रायसीना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट के तौर पर किस देश की प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया. विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द रायसीना डायलॉग 2023 एज द चीफ गेस्ट. आंसर है इटली की जियोर्जिया मिलोनी. ठीक है, रायसीना डायलॉग 2023 हुआ था दिल्ली में हुआ था. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट कौन था वहाँ की, इटली की प्राइम मिनिस्टर थी जिनका नाम है जियोर्जियो मिलोनी. ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रायसीना डायलॉग 2030 की थीम बताएं. व्हाट इज़ द थीम ऑफ रायसीना डायलॉग 2023. आंसर है उकसाव अनिश्चितता संकट और तूफान में जलते दिए. प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग. इसकी चीफ गेस्ट कौन थी, इटली की प्राइम मिनिस्टर थी जो कि थी जियोर्जियो मिलोनी. और इसका जो हमारा थीम था वो था प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट. उकसावा अनिश्चितता संकट और तूफान में जलता दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके बच्चों, सो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं 4 टॉपिक जो कि हैं इवेंट, डिफेंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस और उत्तर प्रदेश का बजट. आज के वीडियो में अभी इतना ही, बाकी हम आगे भी टॉपिक्स मार्च से कवर करेंगे. और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल्ड एंड डेप्थ नॉलेज चाहिए आप हमारे LU अपडेट के ऐप पे जा सकते हैं. वहाँ पे हम कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है. सो बच्चों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.